ये है नर्मदा तट गौरी घाट का श्री सिद्ध गणेश मंदिर, जिसका शिलान्यास साल 2001 में किया गया और इसके एक साल बाद गणेश चतुर्थी के दिन भगवान की प्रतिमा की स्थापना की गई। यहाँ बप्पा रिद्धि सिद्धि के साथ विराजे हैं। ये गणेश मंदिर अर्जी वाले भगवान के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर अर्जी की परंपरा बहुत पुरानी है। लोग बाग यहाँ पर अर्जी लगाते हैं, भगवान के चरणों में रजिस्टर में लिखवा करके निवेदित करते हैं, फिर भगवान उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान श्री सिद्ध गणेश जी का यह पावन परिसर अर्जी वाले सिद्ध गणेश जी के नाम से सुप्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से भक्त लोग अपनी अतृप्त कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने संकटों के निवारण के लिए, मनवांछित फल प्राप्ति के लिए अर्जी लगाने आते हैं। यद्यपि गणेश जी से अर्जी लगाने की परंपरा अनंत काल से चली आ रही है। तीन लोक के सकल देवता द्वार खड़े सब अर्ज करें, त्रैलोक के समस्त देवतागण भी अपनी कामना पूर्ति के लिए गणेश जी से अर्जी लगाते हैं। श्री सिद्ध गणेश मंदिर में अर्जी लगाने की विशिष्ट परंपरा है। यहाँ भक्त जन एक सी फल नारियल लेकर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, मद्रास से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, और सबकी मनोकामनाएं श्री सिद्ध गणेश भगवान पूर्ण करते हैं। इसलिए जो सिद्ध गणेश भगवान के इस मंदिर में आकर के दर्शन लाभ प्राप्त करता है और चरणों में अर्जी निवेदित करता है, श्री सिद्ध गणेश भगवान उस अर्जी के माध्यम से उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका निवारण भी करते हैं। श्री सिद्ध गणेश मंदिर में जो भी कार्य पूजन अर्चन शस्त्रार्चन किया जाता है, सभी भक्तों के कल्याण हेतु किया जाता है, सभी भक्त का कल्याण हो। और भक्त यहाँ पर बड़ी श्रद्धा और विश्वास से आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ भक्त अपनी अर्जी एक नारियल के जरिए लगाते हैं, जिसमें भक्त की प्रार्थना रजिस्टर में दर्ज की जाती है और इसका नंबर भक्त को दे दिया जाता है। यहाँ गणेश उत्सव पर्व के दौरान हर दिन भगवान का श्रृंगार होता है।